हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग यूनिट 3 का एक टॉपिक इफ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। क्या इफ स्टेटमेंट का थ्योरी है, कैसे ये काम करता है और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन यानी प्रोग्रामिंग के अंदर डिसीजन लेने के लिए हम लोग ये सारे स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो कह रहा इन सी इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी इफ स्टेटमेंट जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या कर सकते हैं इसका, तो इसका यूज करके, इफ का यूज करके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और वो डिसीजन किस पे आधारित रहेगा? कंडीशन। कहने का मतलब ये हो रहा है कि इफ स्टेटमेंट जो है सी प्रोग्रामिंग में उसका उपयोग करके हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं जो कि कंडीशन पे आधारित होगा। देन द इफ स्टेटमेंट वेरीफाइज द गिवन कंडीशन एंड डिसाइड वेदर ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड आर नॉट बेस्ड ऑन द कंडीशन रिजल्ट। कह रहा है जो इफ स्टेटमेंट जो है उस कंडीशन को वेरीफाई करेगा जिस कंडीशन पे वो डिसीजन लेगा। अगर जो है कंडीशन जो है क्या होगा, गिवन कंडीशन जो है ट्रू रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है ब्लॉक ऑफ कोड को, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट उसको नहीं करेगा। और वो जो कंडीशन होगा उसी पे आधारित रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इन सी इफ स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स एज फॉलो। इस इफ का भी 4 टाइप्स बना दिया गया। सिंपल इफ स्टेटमेंट जो सामने दिखाई दे रहा है, अभी हम सिंटैक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी थ्योरी दे रहे। फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और लास्ट है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इसी को लेडर इफ एल्स के नाम से जाना। तो इफ स्टेटमेंट का थ्योरी से ये पता चलता है, तो इफ स्टेटमेंट क्या है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, इसका उपयोग करके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन किस पे आधारित होगा? कंडीशन पे, यानी कंडीशन लगाइए और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। पहला है सिंपल इफ स्टेटमेंट, पहला टाइप जो है इसका। सिंपल इफ स्टेटमेंट इज यूज टू वेरीफाई द गिवन कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन रिजल्ट। सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन को पहले चेक करते हैं यानी वेरीफाई करते हैं, और जैसे ही वो कंडीशन वेरीफाई होता है तो उस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड जो है रिजल्ट आउटपुट में मिलता है। सिंपल इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट्स स्पेसिफिक कंडीशन। इफ स्टेटमेंट जो है उस कंडीशन को इवेल्युएट करता है यानी चेक करता है स्टेप बाय स्टेप। If it is true, यदि condition true हुआ तो it executes the next statement। तो evaluate जो करेगा पहला दूसरा तीसरा इस तरह से evaluation। तो यदि ये condition true हुआ तो next statement को क्या करेगा, वो execute करेगा। If the condition is false, यदि condition false हो गया तो it skips the execution of the next statement of block of statement। इसको सिंपली में समझा जाए तो ये कह रहा ये जो है इफ कंडीशन क्या करेगा, उस कंडीशन को चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो वो नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करेगा, यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो अगले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द जनरल सिंटैक्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर सिंटैक्स आपको बताया जा रहा है इफ स्टेटमेंट का। सिंटैक्स क्या है, if if लिखना if कीवर्ड और पोस्ट के अंदर आपको कंडीशन लिखना, ये इसका स्कोप ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बहुत सारा कोड आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन, उसके बाद उसका स्कोप स्टार्ट हो जाएगा ब्रैकेट और इसके अंदर बहुत सारा कोड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी आप लिखना चाहते। अब इसका फ्लो चार्ट जो है, फ्लो डायग्राम वो इस तरह से है। यहां से हम लोगों ने क्या किया, एक कंडीशन लगाया। क्या लगाया? कंडीशन लगाया।
ये जो कंडीशन है, यदि कंडीशन ट्रू हुआ, इफ स्टेटमेंट यही कह रहा था, यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो ये नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो कोड है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन को ही चेक करेगा, तब जाकर के अगर ट्रू हुआ, सही हुआ, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज पहले आया, कंडीशन चेक किया, अगर फॉल्स हो गया तो ये इस तरह से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कंडीशन चेक करेगा पहले, यदि ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक कर किया, अगर फॉल्स हो गया तो बाहर। तो ये इसका फ्लो डायग्राम इंडेक्स फ्लो डायग्राम ये सब पूछा जाता है। अब यहां से हम लोग इसका प्रोग्राम करेंगे, देखेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्रामिंग को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है, टेस्ट वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कोई भी नंबर यूजर इनपुट करे और वो 5 से डिवाइडेड है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक प्रोग्राम। मान के चलिए आप 100 को इनपुट किए, आपने कीबोर्ड से लिखा क्या 100 5 से डिविजिबल है, ये कटेगा तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू होगा तब कटेगा ये 100, लेकिन जब हम 23 दे देते हैं, 23 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो दोनों में कंडीशन लगाना पड़ेगा, जो कोई भी नंबर यूजर इनपुट करे तो वो क्या करे, वो बता दे 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडर एच इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच, इनपुट लेंगे यूजर से तो एच इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। उसके बाद हमारा सी का मेन फंक्शन ओपन होगा, वाइड मेन करली ओपन, यहाँ से मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट। एक वेरिएबल बनाया है एन नाम का, इंटीजर एन नाम का एक वेरिएबल, इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं, सेमी कॉल। क्लियर स्क्रीन सी एल आर एस सी आर फंक्शन, और ये यहाँ पर इसको भी सेमी कॉल के साथ बंद कर दी। प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है एक तरह का, इसके अंदर एक मैसेज डाल रहे हैं इंटर एनी इंटीजर नंबर, क्या कर रहे हैं यूजर को से मांग रहे हैं, यूजर आप कोई भी इंटीजर नंबर दीजिए, ना कि फ्लोट नंबर, इंटीजर नंबर दीजिए। ठीक है, इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5। अब ये मैसेज दे दिए, सेमी कॉलन यहाँ पर देना मस्ट, नहीं तो भूल जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब स्कैन एफ जो इनपुट फंक्शन है आपका, इसके अंदर परसेंटेज डी, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का वैल्यू बोल रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंटेज डी लिखाता है डबल कोटेड के साथ, कॉमा, कॉमा ऑपरेटर है, और एसोसिएशन के लिए एम परसेंट एन, तो ये वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा तो उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए। तो क्या बताए थे, वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है जो कि किसी भी वैल्यू को होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, तो एम परसेंट के साथ एन लिखेंगे तो जो भी यूजर इनपुट करेगा वो एन वाला वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाए, क्लियर स्क्रीन यूजर को एक मैसेज दिए आप कोई नंबर इनपुट कीजिए, और नंबर को फॉर्मेट में डाल दिए परसेंटेज डी, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, और एम परसेंट एन। ये स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप जिसको नहीं पता है वही उनको ये लिखने में दिक्कत होगा, तो प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप पहले एक बार देख लीजिए। इफ कंडीशन यही है आपका, इफ स्टेटमेंट कह रहा है इफ एन मोडुलस 5 इज इक्वल टू 0, यदि एन यानी नंबर जो यूजर इनपुट करेगा उसको मोडुलस करेंगे, मोडुलस 5 से करेंगे तो उसके बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मोडुलस ऑपरेटर के बारे में बता दें, जैसे 5 ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, मोडुलस, मोडुलस 2 इक्वल टू क्या होता है, तो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 रिमाइंडर बचा 1, तो मॉडुलस ऑपरेटर जो अपना आउटपुट देता है वो रिमाइंडर वैल्यू देता है, क्या देता है, रिमाइंडर। यहाँ पर यूजर मान के चलो कोई भी यूजर 10 इनपुट किया तो 10 को यानी n में स्टोर हो जाएगा 10, और 10 मॉडुलस 5 करेंगे चेक करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, 5 2 10 यानी शेषफल बचा 0, रिमाइंडर 0। तो कह रहा है कंडीशन 0 = 0, हाँ 0 0 के बराबर है, यानी कंडीशन ट्रू हो गया।
यहाँ पर n मोडुलस 5 इज़कल टू 0 है, यानी यूजर जो इनपुट करेगा नंबर उसको 5 से वो क्या करेगा भाग देगा, यानी डिवाइड करेगा और रिमाइंडर को पकड़ेगा। रिमाइंडर अगर आ गया 0 के बराबर तो ये प्रिंट करेगा क्या, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 स्लैश n, फिर नीचे उतर जाएगा। तो नंबर जो है क्या है डिविजिबल है किससे, तो 5 से। ये एक मैसेज दिया प्रिंट एप के थ्रू, और नया लाइन में उतर करके ये प्रिंट एप बंद हो गया यहाँ पर सेमी कॉलर के साथ। प्रिंट एप दूसरा मैसेज दे रहे स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द इफ। अब एक दूसरा मैसेज दे रहे जो स्टेटमेंट जो है इफ से बिलोंग नहीं कर रहा, अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये मैसेज नहीं आएगा, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ये मैसेज नहीं आएगा, जबकि ये मैसेज आएगा क्योंकि वो कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अगर मान के चलो कोई नंबर पुट कर दिया 7 डिविजिबल बाय 5, ये चेक करेगा 7 मॉडुलस 5, ये रिमाइंडर बच जाएगा 2 इज़कल टू 0, 7 में 5 से भागा देके देख सकते हैं आप लोग 0, तो ये तो गलत हो गया। तो ये नंबर तो नहीं बताएगा 5 से डिविजिबल, क्या बताएगा स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग टू इफ, ये इफ से बिलोंग नहीं करता। ये सिंपल कोडिंग है, यहाँ पर मेन फंक्शन हमारा बंद हो जाएगा, सी का मेन फंक्शन क्लियर और अब सारा कर दिए। तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए इसके लिए मैं कोड को पहले से लिख के रखा हूं। चलिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio dot h console input output, void main main function, एक वेरिएबल n नाम का, printf function enter any integer number, semicolon के साथ printf one, scanf format string %d double quoted के साथ comma operator %n, ये इसका format भी आपको tab C++ में दिखाई देगा। अब नीचे उतर करके if का condition लगेगा, if n मोडुलस 5 इज़कल टू 0, यानी यूजर जो नंबर इंटर करेगा इंटीजर टाइप का उसमें मोडुलस करके देखेगा 0 के बराबर है कि नहीं, कंडीशन को चेक कर, चेक करने के बाद मैसेज देगा गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल है अदरवाइज ये नहीं, तो अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो ये वाला कोड देगा स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू इफ। इसका एग्जीक्यूशन को देखने के लिए मैं फाइल को पहले से सेव कर लिया हूँ, आपको यहाँ से सेव कर लेना सेव ऑप्शन से। यहाँ पर आपको कंपाइल में जाना है, तो कंपाइल ऑलरेडी किया हुआ है, जीरो एरर। अब यहाँ से रन पे क्लिक करते हैं, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो क्या पूछ रहा है इंटर एनी इंटीजर नंबर, तो यहाँ पर इंटीजर नंबर मैं दे देता हूँ 15, इंटर करूंगा। यहाँ पर मैसेज क्या आया गिवन नंबर इज डिविजिबल 5, यानी 5 में 15 में 5 से भागा देंगे यानी सही है, यानी 5 से 15 डिविजिबल है भाग लगता है, तो ये मैसेज आ गया गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू इफ। दोनों प्रिंट एफ फंक्शन यूज किए थे, दोनों प्रिंट कर गया, ठीक है, तो ये देख ली। लेकिन इसी को हम लोग दूसरा इनपुट दे करके देखते, फिर से मैं कंपाइल कर देता हूं, और यहां पर मैं देता हूं 19, इंटर। क्या लिखा है मैसेज स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू इफ, यानी स्टेटमेंट क्या है इफ से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कंडीशन जो है मैच नहीं किया। अगर हमने अभी दिया था 15, तो 15 5 से डिविजिबल था तो वो मैसेज दिया, लेकिन ये अभी नहीं दे रहा है जो 19 इससे डिविजिबल है भी नहीं, और एक आधा स्टेटमेंट जो है इफ से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। स्लैश एन का यूज इससे पहले आप लोगों देखे थे, दोनों लाइन जो है ऊपर नीचे प्रिंट हुआ था न्यू लाइन की, तो यही इसका आउटपुट है, ये इसका कोड है, इसको देख सकते हैं सिंपल। ये सिंपल कंडीशन, इससे इफ से बहुत सारा कंडीशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफ से
बहुत सारा कंडीशन को हम लोग बना सकते हैं। अब इस तरह से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग को चेक करना है क्या जो दो नंबर को लेना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम चेक करना है जो वोटर यूजर कोई वोटर के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो इफ कंडीशन के साथ उसका एज को पहले इनपुट ले लेंगे, उस यूजर का एज को इनपुट लेंगे और एज जैसे ही इंटर करेगा 18 ईयर तो मैसेज आना चाहिए क्या ही इज एलिजिबल टू वोट, यानी ये जो है एलिजिबल है वोट के लिए। लेकिन कोई 15 ईयर इनपुट कर दिया यूजर तो आपको प्रिंट कराना है क्या नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसके लिए कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ एज के साथ लगाना पड़ेगा, एज जो है क्या होना चाहिए बड़ा बड़ा या बराबर होना चाहिए 18 का, ठीक है। एज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तब जाकर के कंडीशन इफ का ही यूज होगा उसमें। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके वोटर वाला प्रोग्राम बनाइए, देखते हैं कौन लोग बनाते हैं। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही था इफ स्टेटमेंट के बारे में, कोई भी डाउट है आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।